इस वक्त की बड़ी खबर अखाड़ा में आ रही है राजस्थान के जोधपुर से, जहां आज भी बवाल जारी है। कल झंडा लगाने को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया था, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। दोनों गुटों में पत्थरबाजी भी हुई थी, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। आज सुबह भी वहां कुछ लोग पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने गाड़ियों पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी शुरू की। लेकिन इस वक्त न्यूज 18 के हाथ लगा है सीसीटीवी फुटेज, जहां उपद्रवी सामने से आते हुए दिख रहे हैं एक बाइक के पास और हाथ में तलवार लिए, पत्थर लिए ये दौड़ते हुए आ रहे हैं, पत्थर फेंकते हुए तलवार लेकर के। और यही उपद्रवी गुट सिलवटा बास के इस इलाके में थोड़ी देर बाद फिर वहां मौजूद गाड़ियों और दुकानों में तोड़फोड़ करता हुआ भी दिखता है। न्यूज 18 के हाथ लगी है ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज सुबह, जहां अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ रंजन दवे जुड़े थे, वहीं का ये सीसीटीवी फुटेज है, जहां उपद्रवी दिख रहे हैं सीधे तौर पर हाथ में तलवार लेकर, पत्थर लेकर और इस इलाके में आते हुए। भवानी देवरा इस वक्त हमारे साथ हैं। भवानी, इस फुटेज में और भी है, क्योंकि वहां के स्थानीय का कहना है कि वहां मौजूद गाड़ियां और जो दुकानें खुली थी उनमें भी तोड़फोड़ की गई। देखिए रंजन, ये सीसीटीवी फुटेज है, अपने आप में एक बड़ी कहानी कह रहा है कि कहीं कहीं लग रहा है कि कुछ साजिश थी। अभी ये माना जा रहा था कि ये अकस्मात कोई घटना हुई है जिसमें भिड़ गए। एक तलवार लेते हुए युवक आपको इस सीसीटीवी तस्वीरों में नजर आएगा, उससे ऐसा लग रहा है कि कैसे एक घटना हुई जिसमें अकस्मात कोई ऐसा झगड़ा हुआ और उसमें इसमें तलवार लेकर कैसे पहुंच गए। तो वो जो तलवार लेकर जिस तरीके से सीसीटीवी तस्वीरों में नजर आ रहा, उससे लग रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अभी नहीं कह सकते। लेकिन ये इशारा उस दिशा में कर रहा है कि कुछ साजिश हो सकती है हिंसा फैलाने की। अब ये सरकार की ड्यूटी है कि वो इस बात की जांच करे, तहकीकात की सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पे, कि क्या जोधपुर के अंदर ये हिंसा साजिश तो नहीं थी, पहले से साजिश तो नहीं थी। क्योंकि जो घटनाक्रम हुआ था रात को 1 बजे घटनाक्रम होता है कि एक जगह झंडा लगा हुआ था, उसके बाद में दूसरे समुदाय के लोग आते हैं और उसके बाद में उसको देखकर अपना झंडा लगाते हैं। ये कौन दो लड़के थे भवानी, जो बाइक में पहले जाते हुए दिख रहे, जिनके पीछे ये सारे उपद्रवी दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और इनमें से भी दो लोग बाइक में किसी का पीछा करते हुए दिख रहे हैं, ये कौन लोग हैं? देखिए, ये जो है जिस जगह से निकले, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के लोग बताए जा रहे हैं कि जो वहां से निकले थे बाइक से, और उसके बाद में इन्होंने आरोप ये है कि इन्होंने तलवार देकर निकले, उसके बाद में इन्होंने तोड़फोड़ की। यही लोग जो बाइक से निकले हुए हैं, उसके बाद एक बाइक को जला दिया गया। तो रात को जो इंसिडेंट हुआ वो फिर उसके बाद में भीड़ को पहचानना होगा कि सुबह जब घटनाक्रम हुआ उसका उससे क्या लिंक है, क्या यही लोग थे जिन्होंने सुबह ही फिर हिंसा भड़काई थी। तो ये तमाम इन्वेस्टिगेशन के पहलू है, लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज इस ओर इशारा कर रहा है कि किस तरीके से हिंसा, किस तरीके से भड़काने के लिए कितनी मॉब किस तरीके से निकली थी। जो जोधपुर की विधायक है सूर्यकांत अय्यर, उनके घर के पास जिस तरीके से बवाल किया गया, जो हंगामा किया गया, उसके बाद में उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। उनका यह आरोप है कि पुलिस समय पर मौके पर नहीं पहुंची और रात को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की गई। पुलिस से काफी गंभीर आरोप है। आनंद, इस बीच में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक इमरजेंसी मीटिंग लेने के बाद में एडिशनल डीसीपी की अगुवाई में एक टीम को जोधपुर रवाना किया है, जिससे कि हालात को काबू में लिया जा सके। भवानी, एक बात बताइए, क्या ये जो उपद्रवी गुट है जो ये तलवार लेते हुआ दिख रहा है इस फुटेज में, ये लोग वापस जाते हुए दिख रहे हैं, क्या ये फिर वापस लौट कर आते हैं और तोड़फोड़ करते हैं? जी, इसका जो सिक्वेंस है आनंद, आप देखेंगे तो वो उसी क्रम के अंदर है। तलवार लेकर निकलते हैं, फिर उसके बाद में वापस ये पलट कर आते हैं, बाइक पे आते हैं, फिर उसके बाद में तोड़फोड़ करते हैं, फिर उसके बाद में कुछ जो शिकार हुए उसमें आप देखिए कि केवल जो इस पिटाई के अंदर केवल ये नहीं है कि दूसरे पक्ष के लोग घायल हुए, 4 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसके अंदर एक SHO भी है, एक IPS अफसर भी है, जिनको चोटें आई है। तो ये बड़ा इन्वेस्टिगेशन का पहलू है कि क्या ये जो लोग है, ये मॉब निकली है जो तस्वीरों में नजर आ रही है, क्या कोई प्लानिंग थी, क्या किसी जगह कोई मीटिंग हुई, क्या हिंसा फैलाने के लिए किसी ने उकसाया, ये तमाम पहलू है जो इस ओर इशारा कर रहे हैं। अभी तक की जो इससे पहले सीसीटीवी फुटेज आ रहे हैं, उससे पहले की तस्वीरें ऐसी थी जहां पर एक जगह बवाल करते नजर आ रहे, तब ये हो सकता हो कि अंदाजा लगाया जा सकता था, कि माना जा सकता था कि हो सकता हो कि अचानक भीड़ इकट्ठी हुई है और फिर उसके बाद में ऐसा बवाल हुआ। लेकिन अगर तलवार लेकर निकलते हैं, बाइक से निकलते हैं और फिर उसके बाद में सामूहिक रूप से अगर गैदरिंग में निकलते हैं और तोड़फोड़ करते हैं,
तो अपने आप में काफी सवाल खड़ा होता भवानी है। अभी मेरी भवानी अभी थोड़ी देर पहले मेरी रंजन दवे से बात हो रही थी। रंजन इसी इलाके में है और वहाँ के स्थानीय कह रहे थे कि करीब 50-60 लोग हैं जो साथ में मिलकर यहाँ पहुंचे और फिर वहाँ दुकानों में भी तोड़फोड़ की और वहाँ जो आपको बाइक दिख रही थी उन तस्वीरों में उन बाइक को भी तोड़फोड़ा गया। भवानी आप बने रहिए मेरे साथ, लेकिन इस वक्त